हाय एवरीवन, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं अमेजिंग ईटरीज। और आजकल का टाइम जो है ना वो बहुत ही मज़ेदार चल रहा है। टाइम मतलब ये नहीं है कि आप करेक्ट जो घड़ी से टाइम देखते हैं वो वाला टाइम नहीं है, लेकिन ये जो टाइम चल रहा है ना वो है त्योहारों का और सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बढ़िया रेलवे स्टेशन के आसपास का मज़ेदार फूड दिखाता हूँ, ताकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अपने घर की तरफ और आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको मैं निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास का आज फूड दिखाने वाला हूं। तो मैं पहुंच गया हूं दरगाह के बिल्कुल पास। निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास एक दरगाह है, मैं वहां पे पहुंच गया हूं और उसके आसपास का फूड आपको दिखाएंगे। मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं अगर कभी ट्रेन कैच करता हूँ तो ऑलमोस्ट, मतलब घर वालों ने मेरे पर ये आदत डाल दी है, तो मैं ऑलमोस्ट आधे पौने घंटे पहले पहुँच जाता हूँ रेलवे स्टेशन पर। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम होता है और स्पेशली मैं आता हूँ बहुत जल्दी ताकि मैं वहाँ के आसपास का जो खाना है ना वो फुल एंजॉय कर सकूँ, जैसे कि मैं आज एंजॉय करने के लिए आया हूँ। तो रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दरगाह से ऑलमोस्ट 2-2.5 किलोमीटर दूर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। आप ये मत समझ लेना कि बिल्कुल ही पास में है, 2-2.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ से शेयरिंग या फिर टुक टुक या ऑटो या कुछ भी कहें वो आप ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑटोज चलते हैं, तो कनेक्टिविटी बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यार से आप यहाँ से आना जाना कर सकते हैं। तो दरगाह के आसपास का फूड एंजॉय करेंगे आज, तो लेट्स गो। भैया कौन सी बिरयानी है? ये चिकन बिरयानी। कितने की चिकन बिरयानी है? एक प्लेट है 260 का, ये 130 का। ये 130 की है, ये इतनी सारी 130 की है। वेरी गुड। अभी मैं जा रहा हूँ दरगाह के अंदर, तो मैंने सोचा एक बार आपको मैं दरगाह भी दिखा देता हूँ अंदर से। और दरगाह में यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी कवाली होती है। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही, हमारी और आपकी दोनों की किस्मत अच्छी रही, तो आपको अंदर दरगाह के अंदर मज़ेदार सी जो कवाली है वो भी दिखाएंगे। लेकिन प्रॉमिस करता हूँ अगर मैं नहीं दिखा पाया तो एक आधी लाइन में आपको खुद गा के सुनाऊँगा। तो आपको तो आज मैं कवाली सुनाने वाला ही हूँ, तो चलते आइए। दरगाह से मैं अभी निकला हूँ और आते ही जब आप भी अगर आओगे दरगाह से निकलोगे तो निकलने के बाद राइट साइड में एक दुकान मिलेगी आपको। ज़्यादा आपको एड्रेस बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी नज़र खुद ब खुद, आपकी जो नज़र है वो उस दुकान के ऊपर आ ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मज़ेदार से मीठे समोसे मिठाई की दुकान है जिसका नाम है महबूब इलाही स्वीट हाउस। यार इतने बढ़िया और मज़ेदार ऐसे मीठे समोसे मैंने यहाँ पे देखे हैं, और दो चार चीज़ें और भी हैं, सारी चीज आपको दिखाने वाला हूं, आ जाओ। ये देखो ये रबड़ी, हाय हाय क्या बात है, यहाँ पे रबड़ी है और यहाँ पे बहुत ही मजेदार सी लाइव जलेबी। मतलब रबड़ी और जलेबी का कॉम्बिनेशन तो आप समझ सकते हो कि कैसा है। नहीं अच्छा जलेबी नहीं है, इमरती है। ये रही इमरती और यहाँ पे इमरतियाँ, ये जनाब जो है इमरतियाँ बना रहे हैं बड़ी लजीज सी। तो अभी इमरती खा के देखेंगे और उसके साथ में खाएंगे मीठे समोसे, और मीठे समोसे के बाद एक और चीज़ है जो कि मैं आपको खिलाने वाला हूँ। मैंने अपने लिए ये तीन चीज़ें ली हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, और प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं आई। ये 18 रुपये के दो इमरती के पीसेज हैं और उसके बाद ये है मीठा समोसा, 10 रुपये का एक मीठा समोसा। यार देखने में एकदम लजीज और बहुत ही मज़ेदार, चाशनी में डूबा हुआ, देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, ऐसा समोसा मेरे को ये है। और ये है अंदर से की गोली, ये एक नई चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे खाने वाला हूँ।
तो ये मीठी है और इसके ऊपर मेरे को दिख रहा है कि ये तिल है इसके अंदर। तो तीनों चीज़ें, रबड़ी मैंने फिलहाल के लिए स्किप कर दी है क्योंकि मैंने बहुत सारी जगह पे रबड़ी खाई है, ये मेरे को दिखने में बहुत अच्छी लगी तो इसको मैं ज़रूर खाने वाला हूँ। और ये दोनों चीज़ें मस्त नई वाली मज़ेदार सी है, तो पहले ये खा के देखते हैं क्योंकि दोनों हाथ मेरे भरे हुए हैं तो इसको मेरे को रखना पड़ेगा। तो लेट्स मी स्टार्ट विद दिस मीठा समोसा। अब मीठे समोसे के अंदर क्या है वो मेरे लिए एक सरप्राइज जैसा होने वाला है। हाथ में लेने के बाद पता चल रहा है कि जो इसकी फिलिंग है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी फिलिंग है। और इसमें क्या है, ओए ओए, इसमें वाओ, खोए जैसी मेरे को कुछ चीज लग रही है। ओहो वाओ, क्या बात है, नाइस। तो अभी अपने अपने घर जाने का समय आ गया है, तो अगर आप निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के आसपास हो तो एक दो घंटे निकाल के आना ताकि आप ये सारी चीजें खा सको, दरगाह के अंदर जा सको। ओह दिस इज नाइस, ओह बहुत ही मजेदार, दिस प्लेस इज क्रेजी। मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा भीड़ है कि ऐसे एरियाज के अंदर आके मुझे ना एक्चुअली में बहुत मजा आता है। वहाँ पे आप खाना खाओ, एंजॉय करो, आसपास के लोग होते हैं और ऐसा माहौल होता है ना कि बस कितनी भी रात हो जाए लेकिन ऐसा लगता है कि एक मेला और एक मज़ेदार सा माहौल रहता है। तो अब मैं ट्राई करने वाला हूँ ये अंदर से की गोली, यार पहली बार ही खाने वाला हूँ, बिल्कुल सख्त सी है। मतलब हाथ में अगर मैं लूँगा ना तो ये अंदर से की गोली मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर तिल लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसके ऊपर गुड़ है, चावल के आटे की बनी हुई है ये और इसको फ्राई करते हैं उसके बाद मीठा वीठा डाल के, और इसके बाद मेरे हाथ में आ गए 10 रुपए की ये चार, 10 रुपए के चार पीसेज हैं। लेट मी ट्राई, अभी खा के देखता हूँ यार इसमें है क्या। ओह माय गॉड, वाह यार, आपने तिल के लड्डू खाए होंगे जो थोड़े से सख्त होते हैं, इसमें बिल्कुल मीडियम सा मीठा है, बिल्कुल जो समोसा था वो बहुत मीठा था, तो ये जो चीज़ है ना वो बिल्कुल मीडियम सी मीठी और हल्की सी है, खाने में मज़ेदार। मेरे को ये 20-25 रुपए का लेना चाहिए था क्योंकि थोड़े घर के लिए मैं पैक भी करवा के लेके जाऊँगा, बहुत ही अच्छा है, हल्का और मज़ेदार। एकदम रस से भरी हुई इमरतियां, जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पे खाई है ना, समोसा, अंदर से की गोली, अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये इमरती खाना मत भूलना क्योंकि ये मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। ओह माय गॉड, ये बहुत ही बढ़िया है, मीठी मीठी। सुधीर जी हमें यहाँ पे मिले हैं जो कि इनके रेगुलर, मैं आ गया हूँ यहाँ पे ना गुलफाम कश्मीरी, चलो सर ही बोलेंगे आप, सर को बोलने देंगे गुलफाम कश्मीरी वाजवान। हाँ जी, ये पहले यहाँ पे जगह नहीं होती थी तो इनको घर से पतीले सिर्फ बना के लाने पड़ते थे। ओके, अब तो भगवान की दया से 30 साल में बहुत कुछ है तब, लेकिन इनके अस्थिरों में है, नॉन वेज मीन्स बड़े का भी है, बकरे का भी है। ओके, और वेजिटेरियन भी देते हैं, चिकन भी है। तो यहाँ पे जो गुस्ताबा और ये सारी चीजें बनती है वो तो शायद नहीं, कश्मीरी बेसिकली जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो कश्मीर से ही आते हैं। हाँ। उनके जो मेन मालिक हैं वो 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने तो चले जाते हैं कश्मीर में, और ठंड के कारण वो यहाँ रुक ही नहीं पाते। मतलब इनके मालिक भी खुद कश्मीर के ही है, कश्मीरी है वो, और एंड इज अ कुक, वो फैमिली है कुक्स की। वही जब पहले आए थे तो तब से ही, मतलब मेरे को जब ऑफ एंड ऑन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू एनी अदर प्लेस, दिल्ली में है ना चोर बाजार है, इनसे 6 गुना रेट होंगे। हाँ वो तो है, तो मतलब उस टाइम
सर का कहने का मतलब है कि यहाँ पे रेट भी अच्छा है और यहाँ का खाना और, जो है और चार एक महीने जो गर्मियाँ होती हैं तब तो नहीं, अदरवाइज तो फैमिली भी लाई जा सकती है, इनके अरेंजमेंट्स हैं बैठने के जगह उस तरीके से आपको केटर करने के। तो सीटिंग है, बैठने की जगह है, लेकिन गर्मियों के अंदर फैमिली लाने के लिए मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गर्मी होती है, एसी नहीं है, बस यही रीजन है, अदरवाइज एरिया। अभी इस वक्त भी तो चारों तरफ लेडीज साथ में फैमिली, पूरी फैमिली आई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा, मतलब ये जो ऑटम कह लीजिए या उधर मार्च के, फरवरी मार्च के अंदर, बस गर्मी के अंदर तीन एक महीने थोड़ा मुश्किल हो जाता है, घर के लिए पैकिंग करा के लोग ले जाते हैं। मेरे को तो बगैर पैसे पूछने भी नहीं पड़ते, मैं तो अपनी मर्जी से देता हूँ, बच्चे हैं अब, ये बड़े बड़े हो गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलो ये तो बहुत ही पुराने यहाँ पे आ रहे हैं सुधीर जी, आपसे बात करके सुधीर जी बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और हाँ सेक्शन अलग है, इसमें बढ़ेगा। अच्छा, और अंदर जो है वो अंदर वो है। अच्छा तो ये मटन एंड चिकन इधर है, मतलब बड़े का भी तो लोग है ना, तो बड़े के लिए वो सिर्फ आप खाते हो? है नहीं, बड़ा नहीं। अच्छा, मैं हिंदू में पहले बोला, मैं तो हिंदू हूँ तो इसलिए, और ये वो कभी मिक्सिंग भी नहीं करेंगे। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको सबको बोलूंगा नोट करने के लिए। जो हम लोग नॉर्थ इंडियन जिस चीज को करछी बोलते हैं, ये चम्मच बोलते हैं, मुस्लिम लोग इसको चम्मच बोलते हैं, बट वो चम्मच उसके लिए। अच्छा, एक थोड़ी सी सब्जी बनाते हैं अपने लिए, स्टाफ के लिए, बिहार स्टाइल, वो भी ट्राई करने वाली है, वो देते नहीं है, बहुत मुश्किल थे, मतलब मैं तो ले लेता हूँ, मेरे को तो कोई रुकावट नहीं है। चलो हम भी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, एक बार रिक्वेस्ट करेंगे अगर वो सब्जी अगर मिलेगी। हाँ, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ उसके अलावा भी यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, मजा आने वाला है, आपको एक एक करके सारे दिखाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रिश्ता, मटन बॉल इसको बोलते हैं कश्मीरी में, रिश्ता, ये बहुत बढ़िया आइटम है, कश्मीरियों के पसंद, ये पसंद दे रहा है। और अंदर दूसरा, हाँ आप बताओ, रिश्ता है ये? अच्छा जी, ओके। और ये है गोस्ताबा, ये दही में बना हुआ बॉल सेम है, प्लस ये ग्रेवी डिफरेंस है, बॉल ये कर्ड्स ग्रेवी है, मटन। अच्छा जी, ये मटन बॉल्स है गोस्ताबा। ओके आगे, ये हमारे पास मटन रोगन जोश है विथ बोन, कश्मीरी फेमस आइटम रोगन जोश। अब ये आइए, ये है चिकन कोरमा, एक बस, अब इसके बाद तो फिर वेज में है, दिखाओ, ये वेज में है भिंडी आलू की सब्जी। ओके, प्लस ये है अरहर चने की दाल। वाह जी वाह, ओके, बस अभी लास्ट, अभी तो फिलहाल यही बनता है। मैंने अपने लिए मंगवा ली यहाँ पे कश्मीरी डेलिकेसीज, पहले तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि मैं क्या मंगवाऊँ और क्या ना मंगवाऊँ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे जो तीन जो स्पेशल चीज़ है, तीनों कश्मीरी डेलिकेसीज मुझे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने अपने लिए मंगवाई है हाफ प्लेट मैंने अपने लिए मंगवाया है ये गुस्ताबा, जिसके अंदर आपको मिलते हैं दो मटन के बड़े बड़े बॉल्स, और उसके बाद ये है रिश्ता और गुस्ताबा के अंदर मैं फ़र्क आपको बता देता हूँ क्या होता है, कि दोनों के अंदर जो मटन के जो बॉल्स हैं मटन के हैं वो सेम होते हैं, और इनको बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे, वैसे मैं आपको बता देता हूँ जितनी मेरी नॉलेज है, वो ये है कि
जो ये मटन के बॉल्स जो है ना, इनको बहुत प्रॉपरली इनको मिंस करते हैं लकड़ी के ऊपर। ये ऑथेंटिक तरीका है बनाने का, लकड़ी के ऊपर मिंस करेंगे। बिल्कुल मिंस हो जाने के बाद फिर इनके बनाते हैं बॉल्स। बॉल्स बनने के बाद फिर इसको बॉईल करते हैं, आई डोंट नो कि किसी स्टॉक के अंदर बॉईल करते हैं या फिर पानी के अंदर बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद फिर इसको अलग अलग ग्रेवीज के अंदर बनाते हैं। तो जो ग्रेवी बनती है दही के अंदर और जो बनती है कुछ ऐसी, इससे कहते हैं गुस्ताबा। इसके अंदर बड़ा ही मज़ेदार सा दही का फ्लेवर है और ये दो पीसेस मेरे को बॉल मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ रिश्ता। रिश्ता इज ऑलमोस्ट द सेम, लेकिन जो ग्रेवी है और ये बॉल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ओह, पकड़ने बड़ा मुश्किल हो रहा है। एनीवेज, तो ये जो ग्रेवी है वो होती है स्पाइसी ग्रेवी। ये स्पाइसी ग्रेवी है इसमें, और अगर कश्मीरी रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम आए हैं तो बिना रोगन जोश के खाए हम जा नहीं सकते। तो ये यहाँ का बड़ा ही मस्त मज़ेदार सा मटन रोगन जोश मैंने मंगाया है, जिसमें मिलते हैं दो। तो यार 160 रुपए का एक बाउल, अच्छी क्वांटिटी, दो मटन के पीसेस, और ये भी 160 रुपए का, सिर्फ 5 रुपए की रोटी, रुमाली रोटी, थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर वाली है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है रुमाली रोटी। जो सब्ज़ियाँ हैं वो गर्म है तो उसमें काम चल जाएगा। तो अभी खा के देखते हैं। Let's start. Let me try and take a first bite. Oh, the gravy is dripping. मतलब दही की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल ड्रिप कर रही है और दिखने में इतनी मजेदार है कि मन कर रहा है कि खा जाऊं। दही का खट्टा खट्टा फ्लेवर इस ग्रेवी के अंदर, दही की ग्रेवी है तो इमेजिन कर सकते हो कि आप कैसी होगी। मेरे को एक बार जाके पूछना पड़ेगा कि ये जो बॉल्स, जो मटन का जो बना हुआ जो बॉल्स हैं, वो कितनी देर इन्होंने बॉईल किया है, इसको बनाने में कितना टाइम लगता है कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और मिंस्ड होने की वजह से बस वो मुँह में एकदम घुल सा गया है और बड़ा ही मस्त सा है और मज़ेदार सा है। आप ये मटन का देख रहे हो कितना अच्छा और बड़ा वाला पीस मटन का है, और ऐसे ही एक सेम पीस एक और है, ग्रेवी बिल्कुल गर्मा गर्म मस्त। ओए बड़ी स्पाइसी सी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये टेंडर है या नहीं। बिल्कुल आराम से मैं इसको, ये देखिए बिल्कुल आराम से, किसी भी मटन प्रिपरेशन की है ना, ये एक ये चीज जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो ये कि मीट टेंडर होना चाहिए, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, वो है। मेरे को तो लग रहा है काफी देर तक पकाते होंगे यहाँ पे। यार बाइट थोड़ी बड़ी हो गई है, छोटी कर लेता हूँ। ये देखो, ओ बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल प्यार से। वाह वाह वाह, मटन रोगन जोश की पहली बाइट। अच्छे से मस्त बना हुआ, मजेदार, बड़ा ही मजेदार है। तो एक और कश्मीरी डेलिकेसी रिश्ता अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ। वैसे लग रहा है जैसे मैं कोई एक कश्मीर के किसी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के कश्मीरी खाना खा रहा हूँ। तो अगर आप दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली में अगर कश्मीरी फूड अगर इन्जॉय करना चाहें, तो आज मैंने जगह आपको बता दी है। और ये जो मटन बॉल है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ग्रेवी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो एक अच्छी सी बाइट बना लेते हैं ये रेड वाली ग्रेवी के साथ। देखने में बड़ी स्पाइसी और बड़ी तेल वाली सी ग्रेवी मुझे लग रही है, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हुआ ना तो थोड़ा बहुत तेल तो मेरे को, आई हैव नो प्रॉब्लम।
बड़ी डिफरेंट है ये, दिस इज डिफरेंट, दिस इज नाइस। मस्त स्पाइसी मिन्स मटन बॉल्स रिश्ता गुस्ताबा, ओहो बढ़िया। तो जी मैंने अभी ना कश्मीरी खाना ट्राई करा और इतना मज़ेदार लगा और मज़ा आ गया। अगर आप भी अगर यहाँ पे आके खाना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि टेस्ट यहाँ का बहुत बढ़िया है। और मेरे साथ पे दो डाइनर्स और हैं जो कि मुझे यहाँ पे मिली है, एक है अली, तेरा अली, और यहाँ पे है अदनान, और ये एक छोटा सा प्यार सा स्वीट सा डाइनर हमारे पास है जिसका, आपका नाम क्या है, क्या नाम है आपका, हाँ आरिश, इधर देख के हाई कर दो, हेलो आरिश, आप सबको हाई कह रहे हैं। तो मैं इनसे भी पूछ लेता हूँ खाना कैसा लगा अली। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो एक्चुअली मैं यहाँ का खाना बहुत बढ़िया, अगर आप आओ तो खा लेना। इसके अलावा और क्या क्या है वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। निजामुद्दीन के आसपास का, दरगाह का आसपास का जो एरिया है वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। लो जी मैं आ गया हूँ अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, और आप अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ मेरे पीछे जो है ना वो है बंगले वाली मस्जिद। ये आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो वो है बंगले वाली मस्जिद, और बंगले वाली मस्जिद के बिल्कुल सामने यहाँ पे मिल रही है चाय। क्योंकि आज का जो हमारा वीडियो है ना वो बात कर रहे हैं हम सफ़र में जाने वाले लोगों के, और सफ़र में जाते हुए तो आपको पता है चाय की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं कभी भी जाता हूँ तो एक चाय की प्याली, अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए मैं एक चाय की प्याली ज़रूर ट्राई करता हूँ। तो अभी चाय पियेंगे, उसके साथ में खाएंगे मस्का बन। मेरी चाय 10 रुपए की, और 10 रुपए का ये छोटा सा या मीडियम साइज का अगर मैं बोलूंगा मस्का बन जो है वो आ गया है, और इसके अंदर आप देख रहे हो, ओए नाइस, मक्खन इसके अंदर लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको और अच्छे से अगर एक बार बीच में अगर आप काट के देते ना तो मैं इसको डिप करके खा सकता था, लेकिन अभी इसके एक लेंगे बाइट। ये कॉम्बिनेशन कभी भी फेल हो ही नहीं सकता, मस्त मस्का बन और मजेदार सी चाय। उसके बाद करते हैं मेरा सफर। मैं एक्चुअली मैं कहीं पर जा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो कि यहां से कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैंने आपको जो सारी चीजें दिखाई है वो आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉमिस है जो कि मैंने आपके साथ किया था वो ये कि मैं दरगाह के अंदर जाऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ की कवाली, और अगर कवाली मैं आपको नहीं दिखा पाया तो एक छोटी सी लाइन मैं आपको खुद गा के सुनाऊंगा। मैंने आपको अभी बोला था जब तक हम रेस्टोरेंट के अंदर बैठे थे वो कवाली वहाँ पे हो गई। कवाली एक्चुअली में रोज़ होती है, तो अगर आप आओ तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आपको मैं एक लाइन सुना देता हूँ, ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। इतने सारे लोग हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि फिर भी मैं आपको एक सुना देता हूँ। भर दे झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। सब्सक्राइब टू अमेजिंग ईटरीज और हमारे सफर में हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।